राजू श्रीवास्तव के निधन पर देश दुनिया से शोक संदेश आ रहे हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव का एक बेहद खास रिश्ता उत्तर प्रदेश से था, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी थे और इसीलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में राजू श्रीवास्तव को विशेष श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट का मौन रखा गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तस्वीरें देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां राजू श्रीवास्तव को मौन श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी थे राजू श्रीवास्तव, और कानपुर लखनऊ से उनका खास रिश्ता था, यहीं उनका घर भी था। राजू श्रीवास्तव का उत्तर प्रदेश से ये नाता बरकरार था और वो लगातार आते जाते रहते थे, और इसीलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें ये श्रद्धांजलि दी गई। और अब आपको सुनवाते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही सांसद रवि किशन ने किस तरीके से राजू श्रीवास्तव को याद किया। आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतने कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने, मुंबई शहर पहले बंबई हुआ करता था तब का साथ रहा, 30 साल साथ में मकान खरीदा, हम लोगों के जीवन का स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और अब आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहाँ पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे और आँख खोल दी है, लेकिन ईश्वर की ना शराब ना सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक 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 सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने, इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है, बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज़ प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी के दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज़्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज़। विश्वास कैसे करें, आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा काश ये अफवाह होती, अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। राजू भाई, राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूं जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया। मुझे अभी अभी बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि हमारे भाई, हमारे मित्र और भारत में एक मुस्कराहट, एक हंसी की लहर और बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याओं को अपने छोटे छोटे चुटकुलों से लोगों का जागरण कराने का काम, उन्हें जागरूक बनाने का काम करने वाले महान कलाकार राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे कलाकार थे जो बहुत वर्षों में होते हैं और भारत में इस तरह का कलाकार कोई दूसरा हुआ भी नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे,
और मेरी प्रार्थना उनके परिवार वालों के साथ, उनके सारे फैंस, उनके सारे प्रशंसकों के साथ है जो सारी जिंदगी उनके हास्य को सुनते रहे और उसका आनंद उठाते रहे। ओम शांति। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।